हमारे साथ बारिश हुसैन के उपाध्यक्ष हैं मुन्ना लाल जी, हम इनसे जानते हैं कि क्या है आखिर। आज 7/11 एक्ट की बात लगातार दलील दी जा रही थी, लेकिन 1991 वर्सिव एक्ट जो है उसको नहीं एडमिट करता है, तो किस मुद्दे पे फैसला आने की उम्मीद है, क्या आदेश हो सकता है? नहीं नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश था उसके अनुसार कल पत्रावली माननीय जिला जज महोदय के यहाँ ट्रांसफर होकर के आई है। कल प्रथम डेट थी, तो माननीय जिला जज महोदय का कहना था कि चूंकि न्यायालय के सामने प्रथम बार यह फाइल पटल पर आई है तो इसको हम देखेंगे और समझेंगे और तब हम आदेश करेंगे कि हम किस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करेंगे। सर आज क्या होना है, आज क्या सुनवाई होगी या फैसला कल के दलीलों के बाद, कल की जो जीरा हुई है उस पर आज आदेश हो सकता है कि किस मुकदमे पर सुनवाई पहले प्रारंभ होगी? श्रृंगार गौरी प्रकरण पे होगी या जो सर्वेक्षण की बात की जा रही है उस पर होगी या जो कुलपति महंत तिवारी ने डाला उस पर होगी? ऐसा है कि कल जो दोनों पक्षों की बहस हुई थी उसमें यह बात जिला जज महोदय ने बताई थी कि मैं पत्रावली का अवलोकन करूंगा और दोनों पक्षों की बात सुन चुका हूं, तो मैं आदेश कल 12 बजे तक यह करूंगा कि मैं किस प्रार्थना पत्र पर सुनूंगा। तो आज कुछ ही देर में आदेश हो जाएगा कि किस प्रार्थना पत्र पर जिला जज महोदय आज सुनवाई करेंगे। तो अभिषेक, आप देख रहे थे हमारे साथ बारिश हुसैन को बात जी, इनका कहना है कि किस मामले पर सुनवाई पहले होगी ये जिला जज आज निर्धारित कर देंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया यह लग रहा है कि श्रृंगार गौरी के जो सर्वेक्षण हुई है, जो सर्वे टीम ने रिपोर्ट पेश की है, उस पर पहली सुनवाई हो सकती है। अभिषेक।